घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बातें ध्यान से सुने, समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, जो सुबह खाली पेट खीरे का सेवन करते हैं वह बहुत कम बीमार पड़ते हैं। नंबर दो, यदि पेट में दर्द हो रहा है तो छोटी इलायची खा लें, दर्द में आराम मिलता है। नंबर तीन, शहद को सिरके में मिलाकर कुल्ली करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। नंबर चार, अदरक वाला पानी पीने से गर्मी कम लगती है। नंबर पाँच, नींबू पानी सांस की बदबू दूर करता है, स्किन को चमकदार बनाता है और गुर्दे की सफाई करता है। नंबर छः, जिन लोगों को अचानक बुखार आ जाता है उनको मेथी का पानी पीना चाहिए, इससे आराम मिलता है। नंबर सात, ज़्यादा गर्म खाने का इस्तेमाल करने से गले की बीमारियां जन्म लेती हैं और फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर आठ, बाजरे की रोटी दूध के साथ मिलाकर खाने से जिस्मानी ताकत आती है। नंबर नौ, थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी के ऊपर छिड़क दो, सब्जी हमेशा ताज़ा बनी रहेगी। नंबर दस, अगर आपको रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन लगे तो जान लो बुखार आने वाला है। नंबर 11, पानी हमेशा 3 सांस में ही पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। नंबर 12, सर दर्द होने पर आंखें बंद करके लेट जाएं, इससे आराम मिलता है। नंबर 13, जो ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं उन लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। नंबर 14, खाना खाने के बाद रोज़ाना उबला सेब खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नंबर 15, यदि बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत चाहते हैं तो जवानी में आलू बुखारा का सेवन करें। नंबर 16, अदरक और नींबू का पानी पीने से खून साफ होता है, जिससे त्वचा का रंग भी साफ हो जाता है और स्किन इन्फेक्शन नहीं फैलता। नंबर 17, पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है और ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। नंबर 18, यदि छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है तो उनके लिए 2 चुटकी हींग गर्म पानी में भिगोकर नाभि के चारों तरफ लगाएं, इससे जल्द फायदा होता है। नंबर 19, प्याज के साथ दूध का सेवन कभी भी ना करना चाहिए, इससे शरीर में जहर के समान कार्य करता है। दूध और प्याज को एक साथ खाने से कई प्रकार के त्वचा रोग भी हो सकते हैं। नंबर 20, आटे में दूध मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से चेहरे का रंग साफ होता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।